तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्या कहूँ मैं, आप लोगों के लिए मेरे बेटा से ऐसा पोजिशन किया है। ठीक है, हमारा लाइफ का जो मैंने ये विराट प्राप्ति है ये बयान नहीं कर सकता हूँ मैं। आपका और आपके आगे आने वाली कई जनरेशन का जो है वो फ्यूचर आपके बेटे ने बदल दिया, तो मैं समझ सकता हूँ कि उसने कितना सैक्रिफाइस किया होगा। सर मैं सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यू से ही सर, सब कुछ मेरे लिए सब कुछ है सर पीडब्ल्यू। सर मम्मी बोल रही है कि सिर्फ आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ हूँ सर आज, लेकिन आप अगर कंसिस्टेंसी से वो हार्डवर्क इनपुट देते रहोगे ना तो कभी भी वो हार्डवर्क कभी भी मतलब वेस्ट नहीं जाएगा, वो कभी ना कभी लॉग या फिर वो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में जाएगा ही सर। हेलो नरेश, हाउ आर यू? सर आई एम वेरी वेरी मच फाइन सर। सर हाउ आर यू? आई एम फाइन टू, थैंक यू। और कहाँ से हो नरेश? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम है जलपाईगुड़ी और मेरा विलेज का नाम है गैरकाटा। अभी कितना स्कोर हो रहा है नीट में? सर 670। 670, बहुत 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 बधाई नरित। और यस सर, मुझे बताओ कि मतलब ये 670 मार्क्स पहुंचने में कैसे आपकी जर्नी रही, कैसे प्रिपरेशन करी और क्या क्या हर्डल्स आए, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। सर जब हम लोग क्लास 10 से 11th में जब ट्रांसफर हुए थे तब कोविड का टाइम था, तब सब कुछ लॉकडाउन हो गया था, फिर फिजिक्स वाला तब नया नया खुला था, फिर मैं क्लास 11th में मैं अर्जुना नीट बैच का स्टूडेंट था और वहाँ भी मैंने सर आपको ही फॉलो किया था बॉटनी के लिए, फिर सर मैं क्लास 12th में लक्ष्य बैच का स्टूडेंट था और सर मैं सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यू से ही सर, सब कुछ मेरे लिए सब कुछ है सर पीडब्ल्यू। ऑफलाइन में तो क्या होता है, स्टूडेंट सामने होते हैं। यस सर, तो सब दिखता है कि मतलब जो आउटपुट आता है उनका रिएक्शन हर दिन हमको मिलता है, लेकिन ऑनलाइन में जो रिएक्शन होता है वो आखिरी में मिलता है, आखिरी में एकदम से नए नए लोग बिल्कुल समझ में आते हैं जिनको हमने देखा भी नहीं था, तो ये हम लोगों के लिए भी एक मतलब साल भर की मेहनत का एक आउटपुट होता है। हाँ सर। तो और बताइए आपकी फैमिली में क्या क्या मतलब सभी लोग क्या करते हैं, कौन कौन लोग हैं, आपको किससे इंस्पिरेशन मिली? सर मेरे फैमिली में मेरी मम्मी है, मेरे पापा है और हमारे साथ रहते हैं और एक मेरे अंकल है और मैं ओनली चाइल्ड हूँ। आपके पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा ट्यूशन पढ़ाते हैं। अच्छा, चलिए मतलब पढ़ाई का थोड़ा सा माहौल वहां से आपको मिल गया। हाँ सर। और मम्मी आपकी क्या करती हैं? सर मम्मी मेरी हाउसवाइफ है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आपके मम्मी पापा से बात हो सकती है? हाँ जरूर सर। सर सर ये मेरी मम्मी है। नमस्कार। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? लगा दीजिए। बोलो बोलो। আপনাদের জন্য আমার ছেলে আজকে এই জায়গা পৌঁছেছে, ও ছোটবেলা থেকে কোনো টিউশনই পড়েনি। सर मम्मी बोल रही है कि सिर्फ आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ हूँ सर आज, और हम लोगों की मेहनत है, हम लोगों का तो 10% रोल रहता है कि हम लोग आपको रास्ता दिखाते हैं, बाकी सारी जो मेहनत होती है वो आप लोगों की होती है, ये बिल्कुल सही है। वो तो आप जैसे बच्चे होते हैं जो हम लोगों को इतना क्रेडिट देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, एक मतलब स्टार की तरह बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह रखते हैं, बट एक्चुअली में ये भगवान है सर, आप मेरे लिए भगवान हो, साक्षात भगवान हो सर। आपकी क्लास में जब करता था ना मुझे मतलब जितना भी नेगेटिविटी होता था, जो भी मतलब मन में कुछ भी आता था, लेकिन सर आपका क्लास करने बाद यही कोशिश करते हैं बेटा हम लोग की बस मतलब जितना हो सके मेहनत। ऑडियो नहीं आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही है सर? ऑडियो ऑडियो नहीं आ रही है सर, अभी मेरी वॉइस नहीं आ रही है, एक बार जरा आप देखो आपके यहाँ एंड से बंद तो नहीं है? सर अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, ठीक है, वो नेटवर्क थोड़ा सा अनस्टेबल होगा इस वजह से हो सकता है। सर ये मेरे पापा है। नमस्कार सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्या कहूँ मैं, आप लोगों के लिए मेरे बेटा से ऐसा पोजीशन किया है। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है आपका बेटा डॉक्टर बनेगा? बाप रे बाप, बहुत अच्छा लगेगा, हमारा लाइफ का जो मैंने ये
बिराट पाप्ती है, ये बयान नहीं कर सकता हूं मैं। आपका मतलब आपका और आपके आगे आने वाली कई जनरेशन का जो है वो फ्यूचर आपके बेटे ने बदल दिया, तो मैं समझ सकता हूँ कि उसने कितना सैक्रिफाइस किया होगा। तो नैरित कौन कौन से हर्डल्स आपको सामने आए और वो हर्डल्स से आप कैसे निकले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी, क्योंकि जैसे आप लक्ष्य में थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे स्टार्टिंग में बड़ा परेशान होते थे कि भाई तुरंत सीधे 11th में कोई पढ़ाई नहीं करी और सीधे 12th में आके उनको AIR 1 चाहिए और फिर तुरंत डिप्रेस हो जाते थे। तो मतलब आप क्या उनको मतलब सजेशन देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? सर इनिशियली ग्रोथ तो बहुत स्लो होता है, जैसे आपने बोला था वो लैग फेस सबका आता है, लेकिन आप अगर कंसिस्टेंसी से वो हार्डवर्क इनपुट देते रहोगे ना तो कभी भी वो हार्डवर्क कभी भी मतलब वेस्ट नहीं जाएगा, वो कभी ना कभी लॉग या फिर वो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में जाएगा ही सर। जैसे आप बोलते हो लाइफ का जो ग्राफ है वो एस शेप का, सर वो बहुत ट्रू है सर, सच में बहुत ट्रू है। तो मतलब हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी ये दो चीज। यस सर एंड नेवर गिव अप आपकी तरह सर। और आप मुझे बताइए इंटरनल और आप क्या क्या करते थे, मतलब डेली के टारगेट्स बनाते थे, क्या करते थे जो आप इतने आप पे मेंटेन रहती थी? सर आपने और एक चीज बोला था कि सुबह उठते से ही अपना एक डायरी मेंटेन करो और उसमें अपना जो गोल है डेली गोल उस पे लिख लो। मैंने सर डायरी बनाया भी है, सर मैंने डायरी बनाया भी है, ये तो होम्योपैथी का है जो भी हो MBBS में जाने वाला। तो सर इसमें मैंने सारा चीज सर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने डेली गोल्स इसमें जैसे जैसे सर डेली गोल्स होते थे उसको मैं चेकलिस्ट बना के हर रोज टिक मार्क करता था, जैसे टेस्ट देता था, टेस्ट भी मैंने बहुत सारे दिए थे लास्ट के मंथ में, पूरी डायरी मेंटेन की है सर मैंने। बहुत बढ़िया पूरे साल। यस यही सर। मैं जो अभी प्रिपरेशन कर भी रहे उनसे भी मैं यही कहूंगा कि आपको इंटरनल मोटिवेशन की जरूरत है, एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको थोड़ा सा रास्ता दिखा सकता है। यस सर। तो अभी सिलेक्शन के टाइम में आप लोग दिल्ली आ ही रहोगे, बिल्कुल आप लोगों से मिलेंगे। और मुझे बताइए और इस प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की जर्नी आपकी कैसी रही, किस किस में आपको क्या प्रॉब्लम्स आई? सर आपकी वजह से बायोलॉजी में तो कोई दिक्कत आई ही नहीं, इवन आपकी जो मतलब टेक्निक्स थी कि कोई भी चीज को अगर मेमोराइज करना है या फिर कोई भी कंसेप्ट को अगर परमानेंटली रखना है अपने माइंड में तो उसको 10 बार लिख डालो, तो सर मैं बस लिख डाल रहा था कुछ भी, और ये टेक्निक मुझे केमिस्ट्री में हेल्प किया, इवन फिजिक्स में भी सब कुछ सब सब्जेक्ट्स में आप ही का टेक्निक हेल्प किया सर। और फिजिक्स में MR सर के लिए हैट्स ऑफ सर, MR सर लेजेंडरी है, उनके वजह से मेरे फिजिक्स में 168 स्कोर आया और मैं बस उनको थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि उनसे तो मेरी बात नहीं हो पाई। बिल्कुल उनसे भी बात कराते हैं, MR सर से भी बात कराते हैं, अभी जो पे पीछे बैकएंड पे कोई है क्या वो MR सर से कनेक्ट कर सकते हैं? एक मिनट रुकना बेटा, मैं MR सर को कनेक्ट करता हूं, यदि उनकी क्लास नहीं होगी लक्ष्य की तो वो डेफिनेटली ज्वाइन कर लेंगे। हाँ सर MR सर या फिर अमित महाजन सर या फिर मोहित आदित्य सर, पंकज सर, कोई भी सर, सर आप लोगों का बहुत एहसान है सर। सर शायद क्लास में होंगे। ओके सर कोई बात नहीं, ऑडियो सुना जाए ना। तो सभी से आपको बिल्कुल सभी से मिलना होगा, अभी जब सिलेक्शन पर आपको बुलाएंगे फेलिसिटेशन सेरेमनी के लिए डेफिनेटली उसमें सबसे मिलना होगा। और आप मुझे बताइए और आपको क्या क्या हर्डल्स आए? हर देखिए आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि मतलब लोग ज्यादातर ये रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं इतना परेशान था इसीलिए मैं सिलेक्ट हुआ। हाँ क्या ऐसा हमेशा होता है या उसको ओवरकम करने से? सर उसको ओवरकम करने से होता है, आप हमेशा जो भी बोलते हैं ना सर वो ओवरकम। जैसे मैं क्लास 11th में मैं KV का स्टूडेंट था तो मुझे रेगुलरली स्कूल जाना पड़ता था और फिर ऊपर से मैं PCM भी था, मेरा मैथ्स भी था उसके साथ, तो सर वो हैंडल करना थोड़ा टफ था, लेकिन डेली स्कूल जाना, उसके बाद स्कूल का असाइनमेंट पूरा करना, उसके बाद डेली स्कूल आके सर मेरा और एक स्ट्रिक था कि सर मेरा एक भी लेक्चर बैकलॉग अभी तक नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप यदि डेली का डेली आप करते जा रहे हो
तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग लेक्चर के पहले उसको इतना ज्यादा प्रिपेयर करते हैं, हम बस ये सोच के जाते हैं कि भाई बच्चे को मतलब तुरंत वो चीज बन जाए, उसको टाइम ना वेस्ट करना पड़े। तो यदि कोई स्टूडेंट जस्ट उससे कनेक्ट रहता है, चाहे वो किसी भी बैच से पढ़ रहा है, यदि वो कनेक्टेड है तो डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाता है। आई थिंक हर टीचर अपने लेवल पर बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करता है एकदम। और आप लोग जैसे यदि बढ़िया से ईमानदारी से मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स मिल जाते हैं तो हम लोगों को बहुत खुशी होती है। मतलब ऐसा लगता है कि साल भर जिसको जिस पौधे को हमने पानी दिया था आज वो खिल रहा है, तो बहुत खुशी होती है। सर आपने जैसे अंडरलाइन किया था ना एनसीईआरटी को, सर लास्ट टाइम पे वो रिवीजन करने में बहुत हेल्प हुआ। एनसीईआरटी को हर एक चैप्टर को बस 5 या 6 मिनट लगते थे शायद रिवीजन करने में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बायो आना नंबर लाना कोई बायो में बड़ी बात नहीं है एक्चुअली। बायो में नंबर आ जाते हैं लेकिन आप कितने टाइम में लाते हो ना, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको मान लो दिल्ली से कोलकाता जाना है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप कितने कम टाइम में जा रहे हो ये स्पेशलिटी है बस। सर डायरेक्टली वहां से ही क्वेश्चन आया, आप जैसे अंडरलाइन किए सब बहुत बढ़िया से आएगा। सर और मुझे बताइए अपने बारे में, कैसे आप मतलब घर में पूरा ऑनलाइन ही पढ़ाई किया करते थे? एकदम सर, पूरा ही ऑनलाइन। कैसा आपका रूटीन रहता था स्कूल से? कुछ मतलब दिक्कत होती थी, टाइम प्रॉब्लम होती थी? सर पहले पहले तो दिक्कत होती थी लेकिन टाइम मैनेजमेंट वो है कि, तो मैं स्कूल से आता था, आके ही खाना खा के ही बस क्लास करने बैठ जाता था, तब एक क्लास हो जाता था, फिर 15 मिनट का ब्रेक होता था, फिर नेक्स्ट क्लास होता था, उसके बाद में क्लास लेते लेते जितना नोट्स बना पाता था उतना तो बना लेता था, जो भी बचता था उसी रात कंप्लीट कर लेता था। और जैसे आप बोलते हो ना सर डीपीपी उसके बाद अगले वाले दिन किया करो, तो सर मैं डीपीपी को अगले वाले दिन के लिए छोड़ता था। और सर सुबह होते ही मैं डीपीपी लगा लेता था। और एक चीज़ था कि स्कूल में कभी कभी उतना ज़्यादा नहीं होता था काम, उतना ज़्यादा नहीं होता था, तो मैं क्या करता था, जो भी डीपीपी मिलता था, प्रैक्टिस शीट मिलता था, उसको मैं जेरोक्स कर लेता था और स्कूल में उनको बैठ के मैं टाइम में सॉल्व करता था। तो ऐसे मेरा प्रैक्टिस जारी रहा, मतलब डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, आप जो डीपीपी भेजते थे, सब कुछ वैसे मैं प्रिंट करा के। और सर लास्ट में आपने और एक चीज़ बोला था कि जितने ज़्यादा टेस्ट उतने ज़्यादा मार्क्स, तो सर बस मैं टेस्ट देता गया, शायद मैं 40 या 40-45 टेस्ट मैंने शायद दे दिए सर, मतलब उसके बाद तो ऐसा टायर्ड सा लग रहा था, लेकिन मैंने एक दिन का गैप दिया और सर सच में वो मिराकल हो गया कि मार्क्स बढ़ने लगे सर लास्ट में आके, बहुत ज़्यादा बढ़ गए। मैंने नीट का टेस्ट भी दिया था, इवन 2020 का, 2021 का, तो सर उसमें 680 प्लस भी कभी कभी आ जाते थे। अब मुझे बताइए कि जैसे स्टूडेंट्स को, ज्यादातर स्टूडेंट्स का ही रहता है, डे वन पे उनको लगता है AIR 1 700 प्लस मार्क्स लाना है, फिर उसके बाद वो मतलब उसकी वजह से बहुत सारी फालतू की चीजें पढ़ने लगते हैं और फिर धीरे धीरे आते आते लास्ट तक वो कुछ कर नहीं पाते, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है? सर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सर आपका ही मैसेज मैं फिर से दोहराऊंगा कि लिमिटेड रिसोर्सेस रखिए और उनको मल्टीपल टाइम्स कीजिए, बस सर इतने से ही काफी हो जाएगा एकदम सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा नरेश आपसे बात करके, जल्दी मिलेंगे और काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आएगी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर उसमें कलेक्ट कर लेना, ठीक है? जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम आपको सारी लिस्ट उसकी बता देंगे क्या क्या करना है, आपको पूरी हेल्प करेंगे काउंसलिंग में और बढ़िया से अच्छा कॉलेज मिलेगा और जरूर मिलेंगे कॉलेज जाने से पहले आपसे। एकदम सर, सर आपसे मिलने का बहुत खुश बहुत इच्छा है। मिलेंगे, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे मिलने के लिए, क्योंकि आप अर्जुना से भी पढ़े हो, लक्ष्य से भी पढ़े हो, 2 साल की मेहनत का फिर, क्योंकि एक रहता ना कि यार अर्जुना में पढ़ लिया फिर आएगा कि नहीं आएगा रिजल्ट, क्योंकि शुरू में जो मेथड्स होते हैं ना उससे एक्चुअली में एकदम से मार्क्स नहीं आते, हमेशा लैग फेज आता है, हमेशा लैग फेज आता है, उसके बाद में ही लॉक फेज आता है, क्योंकि वो जो टाइम होता है वो एडॉप्टेशन का टाइम होता है, तो सभी के उसमें आता है और जो उसको एडॉप्ट कर जाता है वो नरेश सरकार बन जाता है। सर आपके वजह से ही हुआ है। चलो तो बहुत बढ़िया, तो मिलते हैं बिल्कुल सिलेक्शन की पार्टी पे। एकदम सर, एकदम सर। ओके नरेश, विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट। सर एक्चुअली मेरे यहाँ से लोकेशन दिल्ली शायद बहुत दूर हो जाएगा, तो सर जाने में शायद तकलीफ होगी शायद सर, मैं हम लोग सब अरेंज करेंगे, डोंट वरी। ओके सर, ठीक है, PW कुछ ना कुछ उसके लिए डेफिनेटली अरेंज करेगा, आपकी हेल्प करेगा, तो आप बिल्कुल उसके लिए चिंता मत करिए, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, गुड लक, थैंक यू सर, ओके सर।
थैंक यू सर।